तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी होते क्या हैं। तो जितने भी हम चीज़ें देख पा रहे हैं अपने आसपास या फिर इस यूनिवर्स में, चाहे वो कोई गैलेक्सी होगी, प्लैनेट हो गया, कोई क्लस्टर हो गया, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, स्काई हो गया, या फिर कुछ भी, ये सब मैटर का कंपोजिशन यानी मैटर से बना हुआ है। अब मैटर जो है वो पूरे यूनिवर्स का मात्र 5% है, यानी जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो पूरे यूनिवर्स का 5% या फिर उससे भी कम है। और जो डार्क मैटर है वो 27% यूनिवर्स में पाया जाता है, और रही डार्क एनर्जी की बात तो उसका इक्विवेलेंट रेशियो है 68%। जहाँ मैटर को हम लोग देख सकते हैं वहीं डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी को हम लोग देख नहीं सकते, यानी वो इनविजिबल होते हैं। तो फिर बात है 1990s की, जब यूनिवर्स फैल रहा था काफ़ी कम स्पीड से जितना आज के टाइम में फैल रहा है, तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट को ये लगा था कि यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो हमारे जो यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको बंद करेगी और यूनिवर्स को छोटा करने लगेगी। अगर इतनी एनर्जी ना भी हुई कि वो यूनिवर्स को छोटा कर सके, जो हमारे मैटर हैं यानी चांद, तारे, सूरज, उनके पास इतनी ग्रेविटी है कि वो यूनिवर्स को रोकें और उसको वापस से छोटा करने लगे। लेकिन जब समय बीतने लगा और लोगों ने देखा कि यूनिवर्स छोटा ना होने के बावजूद और फैलता जा रहा है, तो थ्योरेटिकल तो ये था कि यूनिवर्स छोटा होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन में ये नहीं सिद्ध हो रहा था कि वो छोटा हो रहा है, बल्कि उल्टा बढ़ रहा है। तो 1998 में हबल टेलीस्कोप द्वारा जब देखा गया कि काफ़ी दूर के जो सुपरनोवा हैं वो पहले यूनिवर्स को दर्शा रहे हैं, यानी जो यूनिवर्स पहले के टाइम में था वो काफ़ी धीरे से बढ़ रहा है आज के टाइम पर। अब साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे थे कि यूनिवर्स छोटा होने के बजाय बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो यूनिवर्स को छोटा कर देती है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि ये जो यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है ये तीन रीज़नों की वजह से बढ़ रहा है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, जिसके अंदर उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट दिया था जो ग्रेविटी के अपोजिट काम करता था, यानी ग्रेविटी यूनिवर्स को छोटा कर रही है और कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट यूनिवर्स को बड़ा कर रहा है, इसकी वजह से यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। और दूसरा मानना ये था, यानी दूसरी थ्योरी ये थी यूनिवर्स क्यों फैल रहा है, शायद यूनिवर्स के अंदर कोई एनर्जी फ्लूड भरा हो जो यूनिवर्स को लगातार फैला रहा है। या फिर तीसरी थ्योरी ये थी साइंटिस्ट द्वारा कि आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी पे बेस है, वो गलत है और हमें एक नई थ्योरी पे काम करने की ज़रूरत है जो ये डिस्क्राइब कर सके कि यूनिवर्स इस तरह से क्यों फैल रहा है, या फिर ये जो एक्सेलरेशन है इसकी मेन वजह क्या है। अब वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि ये जो तीन थ्योरी या फिर एक्सप्लेनेशन है, इसके अंदर सही थ्योरी या फिर एक्सप्लेनेशन कौन सी है जो डिस्क्राइब कर सके कि यूनिवर्स किस वजह से फैल रहा है। लेकिन यूनिवर्स जो फैल रहा है या फिर उसको जो भी चीज़ फैला रही है, चाहे वो एनर्जी हो गया या फिर फ्लूड हो गया, उस एनर्जी या फिर फ्लूड को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है डार्क एनर्जी। तो चलिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, या फिर इस पर क्या क्या थ्योरीज दी जा चुकी हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डार्क एनर्जी से। अब जो डार्क एनर्जी है वो यूनिवर्स में 67% पाई जाती है, और जितना हम लोग डार्क एनर्जी के बारे में जानते हैं उससे कई गुना इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और इसको देखा नहीं जा सकता, मतलब ये इनविजिबल होती हैं। और डार्क एनर्जी को चार तरीकों से एक्सप्लेन किया गया है। अब जो पहली एक्सप्लेनेशन है जो डार्क एनर्जी से जुड़ी हुई है वो ये है कि डार्क एनर्जी जो है वो स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन वो पहले बंदे थे जिन्होंने बताया था कि जो स्पेस हमें खाली दिख रहा है उसके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, या फिर जिनके बारे में अभी हम लोगों ने जानना शुरू किया है। तो आइंस्टीन के द्वारा जो पहली प्रॉपर्टी बताई गई थी वो ये थी कि भविष्य में और स्पेस यानी यूनिवर्स फैल सकता है, और आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट था, उससे सेकंड प्रिडिक्शन ये हो गई कि जो एम्प्टी स्पेस है उसके पास खुद की एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी है वो स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग स्पेस एक्सपेंडेशन या फिर यूनिवर्स के फैलाव से नहीं छोड़ सकते। अब जितना ज़्यादा स्पेस फैलता जाएगा उतनी ज़्यादा ये एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी उसकी वजह से जो हमारा यूनिवर्स या फिर स्पेस है वो और तेज़ी से बढ़ेगा, यानी भविष्य में जो यूनिवर्स का एक्सपेंडेशन एक्सेलरेशन होगा वो प्रेजेंट से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है वो आती है क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर से। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर ये कहती है कि यूनिवर्स के पास या फिर स्पेस के पास उसकी खुद की एनर्जी है, या फिर वो खुद पैदा कर रहा है, मतलब ये थ्योरी ये कहती है, मान लीजिए कोई एम्प्टी स्पेस है, अब उसके पास वर्चुअल पार्टिकल या फिर टेम्पोररी पार्टिकल है। अब ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो लगातार बन रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, मतलब कि एक पार्टिकल जनरेट हुआ जो एंटी मैटर और मैटर में कन्वर्ट हुआ,
और फिर यही एंटी मैटर और मैटर वापस कंबाइन होके गायब हो जा रहे हैं। अब वैज्ञानिक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं कि कितने वर्चुअल पार्टिकल या फिर एनर्जी सिंपेटी स्पेस में है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है, यानी एक के पीछे 120। तो काफ़ी मुश्किल है एग्जैक्ट वैल्यू डार्क एनर्जी के निकालना वैज्ञानिकों द्वारा। तो डार्क एनर्जी क्या है, इसकी मिस्ट्री बनी रही। तो आते हैं थर्ड एक्सप्लेनेशन पे। तो थर्ड एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो डार्क एनर्जी है वो एक तरीके का नया डायनेमिकल एनर्जी फ्लूड या फिर फील्ड है जो मदद करता है यूनिवर्स के फैलने में। अब ये जो डायनेमिकल एनर्जी फ्लूड या फिर फील्ड है, इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया क्वांटेंसेस। अब ये जो क्वांटेंसेस है वो लिया गया है फिफ्थ टर्म ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स। अगर क्वांटेंसेस ही वो चीज़ है जो यूनिवर्स को फैलाने में मदद कर रहा है, तो अभी भी हमारे पास कुछ सवालों के जवाब नहीं है कि ये एक्चुअली में है क्या, ये कैसे बना, और या फिर ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो डार्क एनर्जी की मिस्ट्री अभी भी बनी रही। तो अपने चलते हैं लास्ट और आखिरी एक्सप्लेनेशन पे जो डार्क एनर्जी के लिए दिया गया है। अब ये जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर ये कहा गया है कि शायद आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो गलत है, क्योंकि वो डार्क एनर्जी के बिहेवियर को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो क्या हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत है? और अगर हमने एक नई थ्योरी बना भी ली तो क्या वो डिस्क्राइब कर पाएगी सोलर सिस्टम के अंदर जिस तरह से सन या फिर प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, जो कि आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर पा रही है। अब कई थ्योरियां हैं जो डार्क एनर्जी के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन द्वारा दी गई थी उसको टक्कर नहीं दे पा रही है, इसीलिए उसको यूज़ में नहीं लिया जा रहा है। अगर इन सब एक्सप्लेनेशन को साइड रख दिया जाए तो डार्क एनर्जी जो है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि क्या वो एक स्पेस की प्रॉपर्टी है, या फिर वो एक नया डायनेमिक फ्लूड है, या फिर सच में डार्क एनर्जी के लिए हमें एक नई ग्रेविटी की थ्योरी की ज़रूरत है। तो डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं डार्क मैटर पर। अब जिस तरह डार्क एनर्जी जो है वो प्लैनेट्स गैलेक्सीज को दूर ढकेलती है, यानी यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है, उसी तरह जो डार्क मैटर है वो काफ़ी अहम रोल करता है, यानी इम्पोर्टेंट रोल है इसका गैलेक्सीज को फॉर्म करने में, क्योंकि ये प्लैनेट सन और गैलेक्सीज को बांधे रखता है, क्योंकि ग्रेविटी के बस की बात नहीं है कि वो किस बहुत बड़े गैलेक्सी को फॉर्म कर सकें। अब जो डार्क मैटर है वो इनविजिबल होता है, यानी उसे देखा नहीं जा सकता, और यूनिवर्स में 27% पाया जाता है। अब डार्क मैटर क्या होता है, इससे ज़्यादा हमें ये पता है कि डार्क मैटर क्या क्या नहीं हो सकता है। अब जो डार्क मैटर होते हैं वो डार्क होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि काले, इसका मतलब ये है कि डार्क मैटर जो है वो स्टार या फिर प्लैनेट कभी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्टार और प्लैनेट को बांधे रख सकते हैं, वो खुद स्टार प्लैनेट नहीं हो सकते हैं। अब दूसरा, जो डार्क क्लाउड होते हैं जो नॉर्मल मैटर के बने होते हैं, वो भी डार्क मैटर नहीं हो सकते, क्योंकि जो डार्क क्लाउड होते हैं वो बरियून पार्टिकल से बने होते हैं। अब जो लोग बरियून पार्टिकल नहीं जानते हैं, वो एक हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि ओड नंबर या फिर 3 क्वार्क्स का बना होता है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो डार्क मैटर है वो एंटी मैटर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर डार्क मैटर एंटी मैटर होते तो डार्क मैटर मैटर से इंटरेक्ट करने पर यूनिक गामा रे प्रोड्यूस करते, जो कि एंटी मैटर मैटर से जुड़ने पर करते हैं। और आता है फोर्थ पॉइंट ये कि जो डार्क मैटर है वो ब्लैक होल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ब्लैक होल सर्कल शेप में होते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं, और इसके उलट जो डार्क मैटर होते हैं वो स्पेस में फैले होते हैं। तो जो डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड कॉन्टैक्ट सब जगह शेयर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।